तैयार। और इस बार उठा दिया है, स्पीड ड्राइव किया है निश्चित रूप से, और अंपायर का इशारा 6 रन का। छह की मदद से कुल स्कोर बढ़कर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर बढ़ो दिया। और जो मैन ऑफ द सीरीज प्रदान की जा रही है वो हमारे इंडियन आर्मी के दीपक सिंह जी लोधी आजमपुर वालों की ओर से प्रदान की जा रही है। उनके भैया रंजीत सिंह जी लोधी आजमपुर वाले आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस बार फिर निकाला है लॉन्ग ऑफ चित्रू बॉल फील्ड की गैरतगंज जीता क्रिकेट टूर्नामेंट, विधायक द्वारा बांटे गए पुरस्कार और 51,000 रुपए नगद राशि। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनु, आप देख रहे हैं द खबर दा न्यूज़। विदिशा जिले के पठारी नगर के चश्मा स्टेडियम में व्यापार महासंघ द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को फाइनल गैरतगंज और बरौदिया के मध्य खेला गया। रोमांचक मुकाबले में गैरतगंज ने बरौदिया को 53 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। फाइनल मैच में गैरतगंज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 135 रन बनाए, जिसमें फेज खान ने 65 जबकि मलिक ने 42 रनों का योगदान किया, जबकि बरौदिया की टीम 7 विकेट पर 82 रन ही बना सकी। बरौदिया टीम के अंशुल ने 2 ओवर में 2 विकेट लिए, लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत हासिल नहीं करवा सके। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब फैज खान गैरतगंज को दिया गया, जबकि बेस्ट बॉलर का पुरस्कार पठारी के अरुण को दिया गया। गैरतगंज के नवीन मलिक ने बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार जीता। इसके पहले पठारी और बरौदिया के बीच सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें बरौदिया ने पहले खेलते हुए 80 रन बनाए, लेकिन पठारी की टीम महज 68 रन बना करके ऑल आउट हो गई। टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर कमेंटेटर एवं एम्पायर को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सरी श्रीवास्तव, मनोज रिछारिया, देवेंद्र परिहार, अखिलेश पंती, देवेंद्र साहू, राजकुमार यादव को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक हरि सिंह सप्रे ने विजेता टीम कप्तान एवं खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन पर बधाई देते हुए भविष्य में और अच्छा खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उप विजेता टीम बरौदिया की भी सराहना की और कहा उन्होंने उप विजेता टीम बरौदिया की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सेमीफाइनल का मैच बहुत शानदार तरीके से खेला, लेकिन फाइनल में उनको सफलता नहीं मिली। उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने का भी आह्वान किया जाता है। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश सिंघई, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष सीताराम सैनी सहित भारी मात्रा में दर्शक और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। महासंघ द्वारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था उसके लिए मैं व्यापार महासंघ को यहाँ के अनुशासित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो, खेल तो सभी प्रकार की होती है। आजकल जो क्रिकेट का बुखार चढ़ा है इस भारत में, वो कौन खेलों को नहीं किया तो मैं पहलवानों सुन लो। क्रिकेट हम भी खेलते मैं पहलवानी हमारा पक्ष हो। अच्छा, कैरम का बहुत लड़ाई आ रही थी, एक आ रही थी भैया में बरौदिया वाले थके थे, नहीं तो पत्र पड़ गया तो सुबह नहीं खेले। बरौदिया इतनी कमजोर टीम नहीं थी कि तुम भीड़ खा रहे थे, कई होते मिस फील्डिंग कर रहे थे, जहाँ एक रन चाहिए वहाँ 4 दे रहे थे। मतलब के समय सोच लो तो मगर 2 ओवर होते तो घर पहुंचते गैरतगंज वाले को इस तरीके से। तो कभी भी खेल में इतना रन नहीं चाहिए, हार जीत तो होती, कभी बरौदिया भी जीती होगी, कभी आप लोग जीती, हार जीत का कम कोई मत करो। आप तो ये मान के चलो कि सुबह आप जीते थे सेमीफाइनल, फाइनल भी हमारे हिसाब से आप पहुंच सकते हो, क्योंकि आप फटे थे और ये करके सोचता है भाई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।